हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लैंड प्रॉपर्टी। दोस्तों अभी इस वक्त हम नेरल मार्केट में है और आज आप लोगों को लेकर जा रहे हैं नेरल ईस्ट में। अब तक आप लोगों ने जितना सारा मेरा वीडियो देखते हैं मोस्टली सब नेरल वेस्ट का होता है, लेकिन हम नेरल ईस्ट का भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो आज जा रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नेरल मार्केट का एकदम बीच वाला हिस्सा है, ये चौक है और यहाँ से हम ईस्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। और ये माथेरान का जो टॉय ट्रेन का फटक है वही है और सेंट्रल लाइन का रेलवे ट्रैक है वो अभी हम क्रॉस करेंगे। सामने ये देखिए, तो अभी भी हम मार्केट एरिया में ही है। ये देखिए, ये रेलवे फटक है, इस तरफ रेलवे स्टेशन है, देखा ये सामने रेलवे स्टेशन है, नज़दीक है एकदम। और हम अभी वेस्ट से ईस्ट आ चुके हैं, तो वेलकम टू नेरल ईस्ट, आप लोगों को फिर एक बार स्वागत करते हैं हम। और ज़्यादा दूर नहीं है, आज जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली 3-4 प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैं सेल करता हूँ, रेडी टू मूव में भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। अगर आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो तो इधर से सीधा है, और नेरल ईस्ट का जो मार्केट है ये तो वो सीधा लाइन में है उस तरफ। इस तरफ आगे जाएंगे तो नेरल ईस्ट का मार्केट है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और सामने एक प्रोजेक्ट है, बल्कि 2 प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हमारा काम भी है आज, ड्रोन शूट करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आज आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगा। ये जो रोड है ये डायरेक्ट जाके यहाँ से मार्केट भी जा सकते हो, और कशेली रोड जो है ना, नेरल का कशेली रोड इसको बोलते हैं जो नेरल को मुरवाड़ हाईवे से कनेक्ट करती है, तो वहाँ पे जा सकते हो। सामने ये कशेली रोड, और यहाँ पर देखिए रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और हम यहाँ से लेंगे राइट और सामने प्रोजेक्ट है। तो ये है, ये जो रोड देख रहे हो आप, ये खास तौर पर प्रोजेक्ट के लिए ही है, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन प्रोजेक्ट रेडी टू मूव पोजीशन में आप लोगों को मिलेंगे। बड़ी बड़ी फ्लैट मिलेंगे, सस्ता में 2 BHK मिलेगा, सब कुछ है। तो ये हम एंट्री ले चुके हैं मेन एंट्रेंस गेट से, इसका एक एंट्रेंस गेट दूसरा तरफ भी है, वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको रेडी टू मूव पोजीशन में बड़ी बड़ी फ्लैट मिलेंगे, बड़ा गैलरी के साथ, बड़ा स्पेशियस फ्लैट, थोड़ा बजट भी उस हिसाब से थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपको, लेकिन मिलेंगे आपको। हाँ, देख सकते हो ये स्टील पार्किंग है, हम हमारा गाड़ी यहाँ पर पार्किंग करते हैं। ये हो गई गाड़ी पार्किंग, और बाहर निकल के आपको सारा चीज़ हम दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है बिल्डिंग का बैक साइड, हम अभी जहाँ से एंट्री लिए ये बैक साइड से है। फ्रंट पे सारे एमिनिटीज़ रेडी हो रहा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सब कुछ रेडी हो रहा है। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा एक वाइब आता है, क्योंकि सामने जो है ये ऑलरेडी हम थोड़ा हाइट का ऊपर है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हवा चलती है, आप लोग देख सकते हो पेड़ पौधों वगैरह। यहाँ पर सीट आउट एरिया अरेंज किया गया है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो, और इस तरह पूरा पार्किंग एरिया है। तो इस प्रोजेक्ट में भी टोटल 4 विंग है, ए विंग रेडी टू मूव पोजीशन में है ओसी के साथ, बी विंग भी रेडी टू मूव पोजीशन है ओसी के साथ, साथ साथ मानेगा टावर्स है, लेकिन इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा माउंटेन का ऊपर है, इसके लिए व्यू अच्छा आता है। अभी मैं आप लोगों को लॉबी दिखाता हूँ, आइए। तो ये लॉबी देख सकते हो, लॉबी बहुत ही स्पेशियस बनाया गया, ओपन लॉबी रखा गया है, इधर कोई ग्लास वगैरह नहीं लगा है, ये ओपन है लेकिन बहुत ही स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, इधर आइए अंदर, ये जगह देख सकते हो, बहुत ही बड़ा लॉबी बनाया गया। इस तरफ देखिए ओपन एरिया है, इस तरफ एक स्टेयरकेस है, उस तरफ एक स्टेयरकेस है, नीचे बेसमेंट पार्किंग भी है, वो भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो, उस तरफ अपना गार्डन एमिनिटीज सब बन रहा है, इस तरफ बेसमेंट पार्किंग है, मतलब नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग टाइप का है। यहाँ पर 2 लिफ्ट है, देखिए ये एक लिफ्ट है जो मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक लिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ये है इसका ग्राउंड का, मैं आप लोगों को दिखा दिया, अभी ऊपर जाके आपको फ्लैट दिखा दूंगा और बजट वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशियस है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर 6-7 फ्लैट में 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस, सब कुछ मिल रहा है,
बड़े बड़े टेरिस फ्लैट, बड़े बड़े बल्कनी वाला फ्लैट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे। तो ये पैसेज देख सकते हो, इतना बड़ा पैसेज है, कॉमन पैसेज। आप यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, किसी का बर्थडे पार्टी वगैरह ये सब भी आप करा सकते हो। तो चलिए फ्लैट दिखा देता हूँ। ये है 302 फ्लैट नंबर, और ये देख सकते हो इसका हॉल कितना बड़ा है। भले ही ये 1 आर के है लेकिन बहुत बड़ा हॉल है। आप लोग को यहाँ पर 18x9 का हॉल मिलेगा, 18x9 का हॉल। ये देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फीट इसका लंबाई है हॉल का, और फिर इस तरफ 9 फीट है। तो बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए ये 430 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया है। और यहाँ पर आपको ये व्यू देखने के लिए मिलता है एकदम ओपन व्यू। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी व्यू चाहिए, फ्रंट साइड में व्यू चाहिए, वन आर के का, वन बी एस सी का तो आपको मिलेगा, ऑल एमिनिटीज व्यू मिलेगी आप लोगों को। तो ये हॉल हो गया, आप एक बार फिर एक बार देख लीजिए, बहुत स्पेशियस हॉल है 1 आर के का। फिर ये पैसेज है, छोटा सा वॉश मशीन मिल रहा है, पानी वगैरह सब कुछ है, 24 आवर्स पानी मिलेगी आपको। ये 2 वॉशरूम है सेपरेट, ये एक बाथरूम है और ये टॉयलेट है। ये देख सकते हो ये बाथरूम है, बाथरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा है, फोल्डली टाइल्स लगाया गया, अंदर सारे फिटिंग्स लगा हुआ है ऑलरेडी ब्रांडेड क्वालिटी का, और वेंटिलेशन विंडो भी है। यहाँ पर ये टॉयलेट है, टॉयलेट का भी स्पेस काफ़ी बड़ा है, मस्त इंग्लिश सीट यूज़ किया गया, वेंटिलेशन अवेलेबल है, फुल्ली टाइल्स है, और अच्छा क्वालिटी के सारे फिटिंग्स और टाइल्स यूज किया गया है। ये है किचन, किचन देखिए आप, किचन में यहाँ पर वॉशिंग मशीन का स्पेस है, इस तरफ फ्रिज का स्पेस दिया गया, और ये प्लेटफॉर्म है, और एयर शेप में प्लेटफॉर्म दिया गया। यहाँ पर स्टील का सिंक है, ये है वॉश बेसिन, ठीक है, और यहाँ पर विंडो दिया गया, विंडो का ऊपर आप एग्जॉस्ट लगा सकते हो। तो सारे चीज, सारे फैसिलिटीज आपको मिल रहा है यहाँ पर। फुल टाइल्स लगाया गया, टाइल्स का क्वालिटी और डिजाइन कलर बहुत ही अच्छा है। तो ये स्पेशियस 1 आर के है, जिसका बजट जाता है ऑल इंक्लूसिव 14.5 तक जाता है, नेगोशिएबल है प्राइस। आप लोग जरूर विजिट करने के लिए एक बार आइए, ऑफर्स वगैरह रहता है हमारे पास, तो हम आप लोगों को कम से कम प्राइस में करके देंगे, साथ साथ लोन कर सकते हो आप। 95% तक लोन अवेलेबल है, सिर्फ 5% डाउन पेमेंट देना है, यानी कि 1.5 लाख रुपया अगर आप डाउन पेमेंट देंगे तो आप लोगों को हम ये फ्लैट लोन करके रजिस्ट्रेशन करके देंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। डे 1 से लेके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तक का जो सफ़र है, हर चीज़ में आप हमें अवेलेबल देखेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होता है, लोन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत सारा बैंकर्स रहते हैं, बहुत सारा अलग अलग बैंक के साथ हमारा टाई अप रहता है, तो हम आप लोगों को ट्राई करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे, तो लोन भी करा के देंगे, जहाँ पर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको सब कुछ सहूलियत अच्छा मिलेगा, वहाँ से लोन करा के देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, मेरा काम पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि किसी का और फायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ।